Welcome to Android World. Podcast. Android World के सभी लिसनर्स को निशान शाह का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में हम एक्वामेल इस ईमेल क्लाइंट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। एक्वामेल का ये पॉडकास्ट दो भागों में विभाजित है। पहले भाग में हम अकाउंट कॉन्फ़िगरेशन और सेटिंग्स, इन दो बातों को जानेंगे, तथा दूसरे भाग में हम मेल कैसे सेंड किए जा सकते हैं, मेल कंपोजिंग, सेंडिंग, डिलीटिंग, फॉरवर्डिंग, इन सब बातों को हम जानेंगे। फॉरवर्ड कैसे करने हैं, सब उन सब बातों को हम दूसरे भाग में जानेंगे। मैं जिस फोन के सहायता से इसका डेमोन्स्ट्रेशन आप सभी को प्रस्तुत करूंगा वो है LG X173। टॉकबैक का जो वर्जन है वो है 3.5.2। और जिस ऐप का हम यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन लेने वाले हैं या जानकारी लेने वाले हैं, उस ऐप का यानी एक्वामेल का वर्जन है 1.5.5.90। दोस्तों, हम जब सिम्बियन फोन इस्तेमाल करते थे या यूज करते थे तो उसमें हम हमारा जो जीमेल का अकाउंट था वो इजीली एक्सेस कर पाते थे। एंड्रॉयड फोन में भी जीमेल का बाय डिफॉल्ट ऐप उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है, परंतु वो इतना एक्सेसिबल नहीं है कि जिसे हम बहुत इजीली यूज कर पाए। जैसे कि हमें किसी मेल को कॉपी करना है तो कॉपी पेस्ट का वहां पर ऑप्शन ही नहीं है। ये सबसे बेसिक चीज जो हमें जरूरी लगती है, फॉरवर्ड कर सकते हो पर कॉपी पेस्ट का ऑप्शन नहीं है। दूसरी बात, उसको हर बार रिफ्रेश करना पड़ता है। इससे कई सारी दिक्कतें हैं जो हम फेस करते हैं। तो ऐसे वक्त पर कुछ ईमेल क्लाइंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें एक्वामेल है, ब्लू मेल है, की नाइन मेल है। ऐसे अलग अलग क्लाइंट्स है जिसका इस्तेमाल करके एक्सेसिबल तरीके से अपने ईमेल अकाउंट को हम यूज कर पाते हैं। अब मैं जिस ऐप के बारे में बताने वाला हूँ वो है एक्वामेल। दोस्तों, एक्वामेल के दो वर्जन है अवेलेबल, खरीद कर इस्तेमाल किया जा सकता है, और दूसरा है लाइट वर्जन। प्रो वर्जन यानी खरीदी कर जिस वर्जन को आप इस्तेमाल कर सकते हो उसकी कीमत 300 से 350 रुपए हमारे इंडियन करेंसी के हिसाब से मैं कह सकता हूँ। लाइट वर्जन और प्रो वर्जन में दो ही खामियां हैं जो प्रो वर्जन में नहीं है, यानी जो आपको प्रो वर्जन में नहीं मिलेगी। पहली तो उनकी एड लाइट वर्जन में हमारे मेल के साथ सेंड हो जाती है, एक्वामेल की एड। और दूसरा, यहाँ पर सिर्फ आप दो अकाउंट कन्फिगर कर सकते हो, यानी दो ही अकाउंट एक साथ यूज कर सकते हो यदि आप ज्यादा मेल अकाउंट यूज कर रहे हो तो। और अगर आप इसको परचेस कर लेते हो तो आप पैसे अकाउंट की लिमिट हट जाती है, आप कितने चाहे उतने अकाउंट इसके साथ यूज कर सकते हो। और दूसरी बात, इनकी एड आपके मेल के साथ सेंड नहीं होती यदि आप इस ऐप को परचेस करते हो तो। ये दो इसके प्रॉब्लम्स है, बहुत छोटे प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से, कोई इतने विशेष महत्वपूर्ण प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात, ये किस किस ईमेल सर्विसेज को सपोर्ट करता है, तो ये जीमेल, याहू, हॉटमेल, एप्पल मेल, सभी मेल्स को ज्यादातर सपोर्ट करता है। याहू के बारे में इसमें कुछ लिमिटेशंस है, यानी याहू ने कुछ लिमिटेशंस इस पर डाले हुए हैं, बाकी मेल सर्विसेज के इतने लिमिटेशंस इस पर नहीं है। जो मैंने आर्टिकल इनके पढ़ा था उसके अंदर ये लिखा हुआ है, थोड़े से लिमिटेशन याहू यूजर्स के लिए है, तो वो हमें खुद चेक करने होंगे या आर्टिकल पढ़ना होगा आप लोगों को उसका। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा ऐप है और आपको बार बार अपने मेल रिफ्रेश करने की इसमें जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक रिफ्रेश होता है। ये इसकी सबसे बड़ी बात है यदि जीमेल और एक्वामेल की तुलना की जाए तो। पहले आपको इसका ऐप प्ले स्टोर पे से डाउनलोड करना है। जब आप
कोई एंड्रॉइड फोन यूज करते हो तो आपको पहले ही अपना जीमेल अकाउंट इस फोन के साथ कॉन्फ़िगर करना होता है। यदि आप वही ईमेल अकाउंट एक्वामेल में यूज करने वाले हो तो वेल एंड गुड, आप जब इसमें अपना अकाउंट कॉन्फ़िगर करने जाओगे तो आपको जो आपने पहले फोन को जो अपना अकाउंट दिया है वो अकाउंट वहां पर ऑलरेडी आएगा कि क्या आप इसके साथ कॉन्फ़िगर कर इस अकाउंट को एक्वामेल के साथ कॉन्फ़िगर करना चाहते हो क्या। यदि आप नहीं चाहते तो आपको फिर एडिट फील्ड दो मिलेगी, एक में आपको अपना ईमेल आईडी डालना है, एक में आपको अपना पासवर्ड डालना है और फिर साइन इन करना है, फिर वो अकाउंट कॉन्फ़िगर होगा। पर यदि आप वही अकाउंट यूज कर रहे हो जो आपने अपने एंड्रॉइड फोन को प्रोवाइड किया है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर अकाउंट को यस करना है और कॉन्फ़िगर वो तुरंत हो जाता है। तो ये तो आपको मैं अभी जो डेमोंस्ट्रेशन देने वाला हूँ या जो हम प्रैक्टिकल देखेंगे इसका, उसमें आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। इसमें एक महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, सिर्फ ईमेल नोटिफिकेशन के लिए यानी मैसेज नोटिफिकेशन नाम की एक सेटिंग है, सेटिंग में उसमें आपको यदि ईमेल आने के बाद कोई रिंग सुनाई देनी चाहिए, ऐसी जो सेटिंग है वो यदि आपको चेंज करनी है तो ही सेटिंग को हाथ लगाना, वरना एक्वामेल की सेटिंग को कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने बाय डिफॉल्ट बहुत अच्छी सेटिंग दी है। सिर्फ हाँ, आपको स्क्रीन का जो कलर है वो डार्क यूज करना है, जो ब्लाइंड हम विजुअली इम्पेयर्ड होने के कारण हमें आंखों को तकलीफ कम हो, इसलिए लाइट वर्जन से अच्छा वो डार्क वर्जन यूज कीजिएगा। उसकी सेटिंग मैं आपको बता दूंगा जब वो सेटिंग सामने आएगी। तो ऐसा है, ये एक्वामेल का एक बहुत अच्छा ऐप जिसको आप बहुत इजी तरीके से यूज कर सकते हो। और इसकी एक और खासियत मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हमारे तैयार की हुई फाइल को या टेक्स्ट फॉर्मेट में हम जो कुछ लिखते हैं उसको अलग अलग इफेक्ट्स देते हैं दोस्तों, तो आप वो इफेक्ट्स यहाँ पर भी दे सकते हो, बोल्ड, इटैलिक, कलर चेंज, वो सब इफेक्ट, अंडरलाइन वाला इफेक्ट, वो इफेक्ट आप यहाँ पर भी दे सकते हो, वो इफेक्ट्स यहाँ पर मौजूद है इस ईमेल ऐप के साथ। परंतु आप यहाँ पर टेक्स्ट को इफेक्ट दोगे और बाद में वो टेक्स्ट आप व्हाट्सएप पे या कहीं पर पेस्ट करना चाहोगे तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने ये कोशिश की थी परंतु ये सक्सेसफुल नहीं होता, वो टेक्स्ट का फॉर्मेट पूरी तरह से चेंज हो जाता है, कलर ब्लैक हो जाता है और सिर्फ वो जो आपने अगर बोल्ड फॉर्मेट यूज किया है तो बोल्ड रहेगा, पर बाकी के जो आप उसको फॉन्ट साइज और वो सब डिक्रीज इंक्रीज करोगे तो वो पूरी तरह से निकल जाता है, बाय डिफॉल्ट जो अलग अलग एप्स को अलग अलग जो सेटिंग दी है उसमें वो चला जाएगा। इसलिए यहाँ पर टेक्स्ट क्रिएट करके बाद में वो दूसरे इसमें पेस्ट करने की गलती मत करना, ये एक छोटा सा सजेशन मैं आपको इसका दूंगा। अब मुड़ेंगे हम इसके प्रैक्टिकल की ओर, तो आइए देखते हैं क्या है एक्वामेल और करते हैं इसकी एक अच्छी सी सैर। मैं होम पर आया हूँ, मैंने प्ले स्टोर से एक्वामेल का ऐप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया है फोन में मेरे। अब मैं एक्वामेल को ओपन करूंगा, आइए सुनते हैं क्या कहता है। मेरे सामने यहाँ पर एक्वामेल का पेज ओपन है, सॉरी ये ऐप ओपन हुआ है। ऊपर की तरफ स्क्रीन के राइट हैंड साइड में जो बटन प्रोवाइड किया गया है वो है मोर ऑप्शन का बटन, देखिए इसको अभी कुछ नहीं करना है, ये बटन हर बार वहीं पर होगा स्क्रीन के टॉप में राइट हैंड साइड। अब मैं स्क्रीन के पूरी तरह से बीचों बीच आ रहा हूँ, क्या कहा, सेटअप एंड अकाउंट, इसको डबल टैप करूंगा। देखा उसने अलग अलग पढ़ा, तो पहला जो ऑप्शन है वो मैं फिर से दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर जीमेल को चेक रखा, रेडियो बॉक्स जो है वो जीमेल का ही इन लोगों ने चेक रखा है। यदि आपका जीमेल का अकाउंट नहीं है तो सेकंड नंबर का ऑप्शन उसके नीचे देखिए, बाकी के जो ईमेल
सर्विसेज है उसका ऑप्शन सेकंड नंबर पे है, उसका रेडियो बटन नॉट चेक है। थर्ड देखिए एक्सचेंज मेल का भी ईमेल चेकबॉक्स डॉट चेक है या रेडियो बटन नॉट चेक है। आपका जीमेल का ही अकाउंट है तो आपको इसमें कोई चेंज करना नहीं है। डायरेक्ट स्क्रीन के एंड से थोड़ा सा ऊपर ओके बटन है, इसको क्लिक करना है। अकाउंट कोलन जीमेल और गूगल एप्स, ये देखिए यहाँ पर मैं नोटिफिकेशन बार के थोड़ा सा नीचे देखिए क्या पड़ेगा, वो न्यू अकाउंट जीमेल और गूगल एप्स, उसके नीचे थोड़ा होगा ईमेल ड्रॉप डाउन लिस्ट। निशान शाह मेरा जो अकाउंट है वो उसने पढ़ा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा कि ये अकाउंट मैंने यहाँ पर कॉन्फ़िगर किया है, इसलिए उसने वो डायरेक्टली वहाँ पर पूछा। अब मैं नीचे जो हमारे तीन चार जो बटन होते हैं बैंक, फिर ब्राउजर या अलग अलग जो तीन चार बटन हमें प्रोवाइड किए हैं उसके ऊपर थोड़ा सा नेक्स्ट बटन और मैनुअल बटन, ऐसे दो है। मैं नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर रहा हूँ, गूगल के साथ ये कॉन्फ़िगर कर रहा है मेरे अकाउंट को, प्रोसेस चल रही है दोस्तों। न्यू अकाउंट ऑलमोस्ट डन, देखिए ऊपर लिखा है। यहाँ पर नोटिफिकेशन बार के एग्जैक्ट नीचे है। अब मैं नीचे जाकर देखिए क्या ऑप्शन आ रहे हैं सब। आउटगोइंग मैसेजेस के साथ आपका नेम क्या जाना चाहिए वो पूछ रहा है। यहाँ पर मेरे पास एक दूसरा अकाउंट है उसका नाम वो ले रहा है, मैं इसको डिलीट करके मेरा नाम डालूंगा। अब मैं यहाँ योर नेम फॉर आउटगोइंग मैसेजेस के जगह स्थान पर मैं मेरा नाम डाल रहा हूँ अभी। यहाँ पर मैंने किया है मेरा नाम। दूसरा ऑप्शन देखिए, मेरा अकाउंट नाम पड़ा। अब मैं यहाँ पर जो चेकबॉक्स चेक्स नॉट चेक्स वो नहीं करूँगा कुछ उसको। दूसरा अकाउंट आपको यहाँ पर डालना हो तो आपको इसको यहाँ पर जाना होगा और फिर आप दूसरा अकाउंट भी अपना डाल सकोगे, पर मैं अभी नहीं डालूंगा, मैं इसको ओके बटन करूंगा, सेव बटन करूंगा सॉरी। अब देखिए क्या बोलता है बाद में। मेरा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब मैं इसको रिफ्रेश बटन को क्लिक कर दूंगा, ये रिफ्रेशिंग स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर इतनी इजी प्रोसेस है अकाउंट कॉन्फ़िगर करने की, कोई आपको इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, इजीली कॉन्फ़िगर हो जाता है। आइए ये अकाउंट जब तक कॉन्फ़िगर होता है मैं आपको अंदर की अब जो सेटिंग का जो पार्ट है वो हम देख लेते हैं। पहले सर्च है, मोर ऑप्शन में जाने के बाद सेटिंग्स है, उसके नीचे ऐड एन अकाउंट यानी दूसरा अकाउंट आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हो। बैकअप एंड रिस्टोर, अभी ये सिंक्रोनाइज हो रहा है या अपडेट हो रहा है तो यहाँ पर डिसेबल है बैकअप और रिस्टोर। कॉम्पैक्ट डेटाबेस डिसेबल, कैंसिल नेटवर्क टास्क, व्यू रिसेंट चेंजेस, हेल्प स्लैश बैक स्लैश फोरम, अबाउट प्रो अपग्रेड, इतने ऑप्शन है यहाँ पर। मैं अभी सेटिंग्स में जंप करूंगा, बाकी तो किसी में कोई देखने जैसी बात नहीं है। एक्वामेल सेटिंग्स में हम आ चुके हैं, नोटिफिकेशन से थोड़ा नीचे में पढ़ना स्टार्ट करूंगा। देखिए एक्वामेल सेटिंग नेविगेट अप, पहली सेटिंग देखिए,
हेल्प का जो ऑप्शन है सेटिंग का वो पहला है, कुछ जरूरत नहीं है यहाँ पर जाने की। मेल रिसीविंग यानी मेल आ रहे हैं आपको, आपको इसकी जानकारी यहाँ से मिल सकती है। मेल अदर यानी अगर आपने दूसरा अकाउंट इसके साथ ये किया है तो आप यहाँ जा सकते हो, देखेंगे यहाँ जाकर। तो आपने यहाँ देखा, देखिए क्या पहला ऑप्शन, यहाँ डिलीट करते हो मार्क रेड का ऑप्शन, उसकी बारे में जानकारी दी है। इसको कोई हाथ मत लगाइए, कुछ इसका यूजेस नहीं है इतना। लुक एट फील्ड में जाकर आपको एक चेंज करना है, बहुत बढ़िया चेंज है आपके हिसाब से और मेरे हिसाब से भी। पहला देख, पहला ही ऑप्शन है कलर थीम, इसमें मैं डबल टैप करता हूँ। जो हमें पहले जब हम ऐप डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं तब जो कलर थीम होती है वो होती है ये लाइट और मटेरियल, लाइट स्क्रीन भी लाइट और मटेरियल यानी जो अंदर जो मेल बिल होगी वो भी लाइट में आएंगे। डार्क विथ लाइट मैसेजेस, डार्क इंक्लूडिंग मैसेजेस चेक, यानी मैंने ये रखा है दोनों डार्क में, मेल भी और उसका बैकग्राउंड भी डार्क में, और नीचे ओके बटन है उसके, वो चेक करना है आपको। ये देखिए ओके बटन और कैंसिल बटन, तो आपको ओके बटन पे क्लिक करना है, समझे। अब मैं बैक जाऊंगा यहाँ से। लुक एट फील्ड में ये पहला ऑप्शन था, दूसरा देखते हैं। टाइटल बार एंड आइकॉन बार कलर डिसेबल है, यूज एनिमेशन चेकबॉक्स चेक है, शो कलर लेवल चेकबॉक्स चेक है, नेविगेशन डोर चेकबॉक्स चेक, अब ये जो सेटिंग थी वो मैंने बताई आपको, जो वहाँ पर चेंज करनी है। लुक एट फील्ड में अकाउंट लिस्ट में आपके कितने अकाउंट है उसकी जानकारी मिलेगी, देखिए। यहाँ पर जो उन्होंने सेटिंग दी है उसको आप एक्सप्लोर कर लीजिए अपने हिसाब से, क्योंकि ये सेटिंग मैंने कोई चेंज नहीं की है और कोई चेंज करने की जरूरत भी नहीं है, बहुत अच्छी सेटिंग दी है। स्मार्ट फोल्डर यानी हमें इनबॉक्स के ऊपर एक स्मार्ट फोल्डर मिलता है जिसमें हमारे नए आए हुए मैसेजेस वहाँ शो करता है, वो इनबॉक्स में भी शो करता है और स्मार्ट फोल्डर में भी आप सिर्फ नए मैसेज पढ़ सकते हो और उसको डिलीट भी कर सकते हो वेरी इजीली। तो ये उसका ये है लिंक, उसकी सेटिंग है, देखते हैं। देखा आपने ये शो सेंडर और बाकी सब जो सेटिंग है वो उन्होंने जो दी है वही मैंने रखी है। मैसेज लिस्ट, मैसेज किस टाइप में आपको पढ़ना है क्या है वो सब इसमें है, यानी सब्जेक्ट लाइन बाद में कैसे कैसे पढ़ना है उसकी जानकारी है, देखते हैं फिर भी। तो ये भी सेटिंग आपको पता है, इसमें टाइम ये नहीं करेंगे हम। मैसेज व्यू कैसा होना चाहिए, स्वाइपिंग लेफ्ट टू राइट स्वाइप करना है, तो वो जेस्चर के हिसाब से आप जब एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हो तो आपको वो पता है। इसकी सेटिंग में नहीं जाऊंगा मैं, एक्सेसिबिलिटी में जाऊंगा, थोड़ा यहाँ देखेंगे क्या है। यूज वेब स्क्रिप्ट फॉर मैसेजेस, तो
इसकी थोड़ी सी जानकारी मेरे पास कम है दोस्तों, तो ये आप अपने हिसाब से एक्सप्लोर कर लेना क्या है ये। इसका चेकबॉक्स उन्होंने बाय डिफॉल्ट चेक दिया है और इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। मैसेज नोटिफिकेशन जाएंगे इसमें, इनेबल मैसेज नोटिफिकेशन, चेकबॉक्स चेक है, नोटिफाई अबाउट ऑल अनरेड मैसेजेस, चेकबॉक्स चेक नहीं है, नए मैसेज आए तो ही नोटिफाई करे ऐसा मेरा चेक है। मैसेज में कोई चेंज हो तो ही इन्फॉर्म करे। साउंड नो साउंड, मैंने कोई साउंड नहीं रखा है कि भाई नया ईमेल आए तो मुझे अपडेट मिले या इसके लिए, तो मैंने वो कोई प्ले साउंड ओनली वंस, यदि आप साउंड रखेंगे तो ये पूछेगा सब। यूज नोट, ये देखिए कोई सेटिंग मैंने चेंज नहीं किया और यहाँ पर साउंड नहीं रखा है तो इसका कोई यही नहीं है मेरे लिए यूज। फिर भी नीचे देखते क्या है, और कलर टर्न लेट ऑन फॉर 1 सेकेंड, यूज वाइब्रेशन नॉट चेक, ऐसे ऑप्शन है यहाँ पर मैसेज नोटिफिकेशन में। एरर नोटिफिकेशन यानी यदि कोई मेल सेंड नहीं हुआ तो आपको उसकी जानकारी, या आपका एक्वामेल कनेक्टेड नहीं है तो उसकी जानकारी आपको इसके द्वारा प्राप्त होगी। कंपोज नाइट्स एंड वीकेंड्स, देखते हैं इसमें क्या है। इनेबल नाइट मोड, डिसेबल साउंड एंड वाइब्रेशन, चेकबॉक्स नॉट चेक, क्योंकि मैंने साउंड रखा ही नहीं है तो ये चेक होने का सवाल ही नहीं आता। आप यदि करते हो तो आप इसको चेक कर लेना, यानी रात को फिर वो टाइम भी पूछेगा कितने टाइम से कब तक बंद रखना है, वो सब सेटिंग आपको यहाँ करनी होगी, फिर ये ऑप्शन आपके लिए वर्क करेगा। कंपोजिंग एंड सेंडिंग, इसका तो कोई इशू नहीं है ज्यादा, आपको पता होगा, फिर भी जा रहा हूँ मैं इसमें। डिफॉल्ट अकाउंट मोस्ट रिसेंटली, आप अपने स्क्रीन के नीचे के साइड का जो एक्वामेल में जो बटन प्रोवाइड किए होंगे उसको ऊपर की साइड भी ले जा सकते हो, ताकि एक्सीडेंटली आपके पास से कोई बटन प्रेस ना हो जाए, आपको कोई नुकसान ना हो जाए, यानी कोई मेल सेंड ना करना हो वो सेंड हो जाएगा, या कोई डिलीट ना करना हो डिलीट हो जाए, तो आप कीज जो हाथ के नीचे होती है उसको ये सेटिंग चेंज करके यहाँ से ऊपर की साइड भी लेकर आ सकते हो। ये एक अच्छी सेटिंग यहाँ पर दी है जो आपको कंपोजिंग एंड सेंडिंग में मिलेगी। सेंड नोटिफिकेशन, मेल सेंड हो गया, मेल डिलीवर हो गया, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलना चाहिए, उसके लिए आप यह चेंज कर सकते हो। कॉन्टैक्ट्स, आपके फोन में जो ईमेल आईडीज है उनके बारे में ये जानकारी यहाँ से मिल सकती है आपको। कैलेंडर है, ये मैंने यूज नहीं किया है तो मैं इसको एक्सप्लोर नहीं कर पाऊंगा, शायद आप देख लेना इसको कैलेंडर को। सिक्योरिटी, बाकी किसी को हाथ मत लगाइए, देखना है तो बाद में देख लीजिएगा, पर ये इतनी सेटिंग है, 22 प्रकार की सेटिंग के ऑप्शन है, हर इसमें जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, जितनी थोड़ी सी सेटिंग चेंज करनी है उतनी करो और एक्वामेल को अच्छे से यूज करो। कोई यदि इसमें दिक्कत हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो, मेरा ईमेल आईडी है nishanshah1389@gmail.com, ईमेल आईडी है nishanshah1389@gmail.com, nishanshah1389@gmail.com। तो इसी के साथ मैं निशांत आप सबसे विदा लेता हूँ, धन्यवाद। इफ यू लाइक दिस पॉडकास्ट, लाइक दिस वीडियो,
share with other people. And don't forget to subscribe this channel. If you have any suggestion, please do share in comment section. Or you can send mail us on following email ID. myaworld.team@gmail.com. For download accessible apps, games, article, podcast and discussion about Android, visit Android World website, myaworld.net. That is myaworld.net. Visit and subscribe Android World for VI channel on YouTube. Our motive to make blind people smarter by using smart